फेस्टिवल डेली लाइफ, पार्टी चाहे जो भी हो, हमें खुशी मिलती है अच्छा दिखने से, और इसके लिए चाहिए बेस्ट आउटफिट, और इसे पूरा करने के लिए विमेंस स्पेशल धीपनाश। यहाँ आपको मिलेगी कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वेयर, हैंडलूम, डिजाइनर साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड के लिए साड़ियाँ, रेडी टू वेयर साड़ियाँ, डिजाइनर लहंगों की प्रीमियम रेंज, रेडी टू वेयर ब्लाउज, हैंड एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउज, डिजाइनर एवं एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, एजेंसी हाउस आर्केट, ग्राउंड फ्लोर, क्लॉक टावर के सामने, एबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। दक्षिण अंडमान जिला योजना समिति की जिला परिषद सभागार में आवश्यक बैठक की गई। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला परिषद के 3 वर्ष के लिए मसौदा कार्य योजना पर विचार हुआ। बैठक में सचिव वित्त सी अरविंद, पीबीएमसी के अध्यक्ष एस सेल्वी, जिला परिषद के सदस्य पोर्ट ब्लेयर, नगर पालिका परिषद के पोर्ट पार्षद, कैंपेल बे, लिटिल अंडमान, प्रातरापुर, फरारगंज की पंचायत समिति के प्रमुख और प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला योजना समिति की पदेन सचिव स्मिता आर ने जिला योजना समिति के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। 3 साल की मसौदा कार्य योजना 2023-24 से 2025-26 तक चार विमर्श का अनुरोध किया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बैठक के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। बैठक के दौरान कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, जिला प्रशासन, जनजाति कल्याण, पशुपालन, पशु चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, जेएनआरएम, एनकॉल, डी ब्राइट और टैगोर कॉलेज जैसे विभागों की मसौदा कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्ष और सदस्य द्वारा इसे अंतिम योजना में शामिल करने के लिए विभिन्न सिफारिशों और सुझाव प्रस्तुत किए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।